दिक्कत नहीं है, मोहन गुप्ता जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और भाजपाई लोग जो दावा कर रहे हैं वो इसी तरह के जुमलेबाजी करते हैं, वो जुमलेबाजी करते रहें। षड्यंत्रकारी लोग कनफूसका पार्टी से बड़ा सावधान रहिएगा, आप देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री बने हुए, और देश के प्रधानमंत्री गोपालगंज में भी इनको पट्टे पार दीजिए, और मोहन गुप्ता जी को एक एक वोट लालटेन छाप पर देके जिता दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। राजद उम्मीदवार और महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता को गोपालगंज में जिताने के लिए ललन सिंह खुद आ गए हैं, और उन्होंने चुनावी सभा को किया है, संबोधित किया है और कई सारी बातों को कहा है, जीत का दावा किया है। बीजेपी वाले हार जाएंगे ये दावा भी किया है उन्होंने, कई सारी बातों को कहा है। बीजेपी कानफुसवा पार्टी है, कई सारी बातों को कहा है। पहले सुनिए, हमने उनसे बातचीत की, उसके बाद सभा के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ, इस वक्त बातचीत करनी है। अच्छा, क्या लगता है गोपालगंज में, किस गोपालगंज में कोई चुनाव का दिक्कत नहीं है, मोहन गुप्ता जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और भाजपाई लोग जो दावा कर रहे हैं वो इसी तरह के जुमलेबाजी करते हैं, वो जुमलेबाजी करते रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 तारीख को उनको पता चल जाएगा। अरे बीजेपी वाले लगातार कहते ही रहते हैं, 2015 में क्या कह रहे थे, वो लोग हार रहे थे, 2015 में भी सरकार बना रहे थे, अब 10 बजे के बाद कोई नजर नहीं आ रहे थे। कई नेता आए हुए यूपी से भी, कोई आने दीजिए, आने के लिए तो घूमते हैं भाई। 2015 में प्रधानमंत्री 42 मीटिंग किए थे। क्या लगता है गोपालगंज जीतेंगे? बता चुके यार कि जीतेंगे, वो हम पूरा नहीं कर सके, इसलिए हम त्याग पत्र देते हैं और अपने पक्ष से। इनको देखिए अब क्या कहिएगा, कुछ बोल शब्द है, अगर कुछ शब्द निकल जाएगा तो लोग कहेंगे कि आप संसदीय बोल रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री देखे कभी? धार्मिक दिन भर सुबह से शाम तक धार्मिक उन्माद फैला रहा हो देश में। आपको देश चलाने का जिम्मा है और देश को एक रखने का जिम्मा है। इस देश की क्या खूबी है? इस देश की खूबी है एकता में अनेकता। यह देश एक है और अलग अलग राज्य हैं, दक्षिण भारत के अलग राज्य हैं, उत्तर भारत के अलग राज्य हैं, सबकी अपनी भाषा है, सबकी अपनी संस्कृति है, सबके अपने खान पान है, सबके अपने रहने सहने का तरीका है, लेकिन सब एक है और हिंदुस्तानी है। और देश में आप क्या कर रहे हैं, देश में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं? अरे भाई, आप में से भी बहुत लोग जाते होंगे राजस्थान में अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ में जो दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जितना मुसलमान वहां नहीं जाते हैं उससे ज्यादा हिंदू जाते हैं। ये है इस देश का, इस देश की संस्कृति। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, आप देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री बने हुए, और देश के प्रधानमंत्री, तो खैर ये सब हिसाब तो हम लोग 24 में लेंगे, ये सब हिसाब तो 24 का जब चुनाव आएगा तब ले लिया जाएगा, कोई चिंता मत करिए। बहुत ज्यादा इनको बहुमत उमत नहीं है, 272 चाहिए और 303 हैं, तो 31 ना ज्यादा है जी है? तो बिहारे में 17, 6, 23 है, तो 23 तो आप साफ हो जाइएगा बिहारे से ना, और कहां बढ़िएगा, बढ़िएगा कहां? बंगाल में 18 है, 18 को में एको को मिलेगा बंगाल में, अभी तो विधानसभा के चुनाव में बंगाल में पता लग गया ना आपको, तो आपका बंगाल साफ हो जाएगा। तो 18 को हुआ साफ गए, अब 23 को यहां साफ हो गए, तो 41 तो ही हो गया, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब राज्य में जो घटेगा वो तो घटेगा, इसलिए वो चिंता मत कीजिए। हिसाब तो इनका हम लोग ले लेंगे 2024 में, लेकिन इनमें हताश है, हताशा है। और ये हताश हैं 9 अगस्त को जो लालू प्रसाद जी ने, नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी ने जो एक होने का फैसला किया वो इनको हताश कर दिया है और पट्टे पड़े हुए हैं। तो पट्टे पड़ने दीजिए, तो हम आप लोगों से अपील करने आए हैं, ये तो पट्टे पड़े हुए है, ये है गोपालगंज में भी इनको पट्टे पाड़ दीजिए, गोपालगंज में भी इनको पट्टे पाड़ दीजिए,
अब मोहन गुप्ता जी को एक एक वोट लालटेन छापर दे के जिता दीजिए। षड्यंत्रकारी लोग कनफुसका पार्टी से बड़ा सावधान रहिएगा। अभी बचा हुआ है चार पांच दिन बचा हुआ है, पता नहीं कौन कहां का कान में खुसका कहेगा। और इनका एक गुरु है नागपुर में रहता है, कौन है जी? सिद्दीकी साहब। अरे नागपुर में के है? हैं? नागपुर में कौन है? मोहन भागवत। तो मोहन भागवत जी का जो संगठन है ना, वो जितना जमीन से ऊपर है उसका 7 गुना जमीन से नीचे है। ये सब कनफुसका पार्टी है। हमको याद है लालू जी का सरकार था और रथ यात्रा निकला हुआ था। लालू जी ने हमको और शिवानंद तिवारी जी को कहा कि जाके जरा गांधी मैदान में देखो ना यार, कितना भीड़ भाड़ है, पकड़ेंगे अगर आडवाणी को तो क्या होगा। तो हम लोग गए थे देखने के लिए गांधी मैदान में, बड़ा लाठी भांज रहा था सर। और 4 बजे भोर में जब आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए थे, को घर से भी नहीं निकला बाहर, देखना भी नहीं। तो इसलिए इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और सावधान रहिए, और लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, वो बिहार पर ही कब्जा नहीं देश पर भी कब्जा करेगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए सब लोग, गोपालगंज के लोग, एकजुट हो जाइए, एकजुट होके और इन कन्फ्यूजकी वाले लोगों को खदेड़ के बाहर करिए गोपालगंज से। और जवाब दे दीजिए, कह दीजिए कि अगर तुम कहते हो कि गोपालगंज जो मुकामा लिटमस टेस्ट है, तो यही लिटमस टेस्ट का रिजल्ट है, आप विदा होइए और बस अब रास्ता नापिए जाइए। इसलिए यही आग्रह और विनती हम लोग आपसे करने के लिए आए हैं। और हम समझते हैं कि गोपालगंज की जनता इतनी जागरूक है कि वो निर्णय करेगी और सही निर्णय करेगी और इस देश के हित में निर्णय करेगी, क्योंकि देश का हित इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। और तय ना, अभी गए थे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, अभी देख रहे थे उनका भाषण वाशिंगटन में गई हुई थी इंडियन मॉनिटरिंग। वही सारी बातों को कहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी ने, साफ साफ कहा कि गोपालगंज जीतेंगे, देखने वाली बात हुई कि कैसे जीतेंगे। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।